नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फ्रांस का आईएसआईएस को कड़ा जवाब, सीरिया में कई ठिकानों पर किए हवाई हमले। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के दो दिन बाद फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के रक्का में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाकर 10 हवाई हमले किए और 20 बम गिराए। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन में 10 लड़ाकू विमानों ने आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए और कई स्थान पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस अभियान में आईएस का एक कमांड सेंटर, गोला बारूद का एक डिपो और लड़ाकों का शिविर भी शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया। तुर्की के पर्यटन नगरी अंतल्या में शुरू हुई G20 शिखर सम्मेलन में पेरिस हमलों का मुद्दा केंद्र बिंदु रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकीकृत वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया और विश्व नेताओं ने एक स्वर में आईएसआईएस के नेटवर्क को नेस्तानाबूद करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस हमले के संदर्भ में कहा कि तोड़ मरोड़ कर व्याख्या की गई विचारधाराओं के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या करना न केवल फ्रांस पर हमला है, न केवल तुर्की पर हमला है, बल्कि यह सभ्य समाज पर हमला है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन की सुगबुगाहट। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दलों में महागठबंधन की सुगबुगाहट की शुरुआत हो गई है। बिहार में महागठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने इस सिलसिले में पहल करनी शुरू कर दी है। लालू इसी महीने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 में होने वाले चुनाव से पहले महागठबंधन चाहता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पर अपनी संभावना व्यक्त कर दी है और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है।